सोनाली बिल्डर्स गुना, हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य उचित दामों में किया जाता है। हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य मात्र 1250 से शुरुआत, प्रीमियम कंस्ट्रक्शंस फिनिशिंग के साथ। अभी बुकिंग पर 3D एलिवेशन एवं संबंधित सारे नक्शे बिल्कुल। इंटीरियर एवं वास्तु क्रय हेतु एक्सपर्ट्स टीम, सभी बैंकों द्वारा होम लोन हेतु संपूर्ण सुविधा मुक्त। हनुमान कॉलोनी गुना मध्य प्रदेश। मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण कुमार जैन 9839-9893057151। इंजीनियर विकास झा 8770089448। खेत पर गए दो युवकों पर फायरिंग, अस्पताल में भर्ती। धरनावदा थाने के बीलाखेड़ी की घटना, खबर गुना से आ रही है। धरनावदा थाने के बीलाखेड़ी में बंदूक से फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। घटना में दो युवक घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार बीलाखेड़ी निवासी रामबाबू पारदी और आर्यमान पारदी गांव में अपने खेत पर गए हुए थे, जहां उन्हें खेत पर जाने से रोका गया। नहीं मानने पर इन पर बंदूक से फायरिंग कर दी गई। इनके पेट सहित शरीर के कई हिस्सों में छर्रे लगे हैं। घायल युवक के मामा और गांव के सरपंच रामगोपाल पारदी ने खेजड़ा के एहसान पारदी पर फायरिंग का आरोप लगाते हुए बताया कि एहसान एक पुराने मामले में राजीनामा नहीं कराने को लेकर आए दिन झगड़ा करता था, खेतों पर जाने से रोकता है, जान से मारने की धमकी देता है। रामबाबू और आर्यमन को भी खेतों पर जाने से रोका तो ये नहीं माने, तो इन पर बंदूक से फायरिंग कर दी। मामले में आरोपी पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की गई है। क्या नाम है? आर्यमन। पूरा नाम बताओ। आर्यमन पारदी। कहाँ रहते हो? बीलाखेड़ी। कौन थाना कौन सा लगता है? धरनावदा जी। बता क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ जी? ये हुआ रात को, मैं खेत में पानी देने गया, गांव के हमारे लोग आए, गोली चला गए हमारे ऊपर। कौन लोग थे वो? वो हमारे गांव के ही थे। तुम्हारी समाज के थे? एहसान, पवन, प्रमोद, देवेन, भगत, आजाद, भारत, महेश। क्यों की मार मुझे गोली क्यों चलाई आपके ऊपर? ये हमारा थोड़ा विवाद चल रहा है, इसलिए गोली चला गई रात को आके। किस बात को लेकर विवाद चल रहा है? खेती नहीं करने दे रहे हमको, ऐसे बोल रहे हैं कि खेत में पानी मत दो, इस बात से लेके विवाद वो कर रहे हैं हमारे। खेत क्यों नहीं करने दे रहे आपको? ऐसे ही नहीं करने दे रहे। अभी चुनाव जमा करना, केस लग गया। कितने लोग घायल हैं आप? दो लोग। इसकी शिकायत की आपने थाने में? की थी। कल कितने बजे घटना है जी? ये 10 बजे करीब दिन में करा। रात को एहसान। क्या नाम है आपका? राम गोपाल, सरपंच में गांव का। कौन है आपके लिए? ये हमारे मामा के लड़के हैं, ये भैया है। क्या नाम है दोनों के? दो इसका राम बाबू, ये आर्यमान। क्या हुआ इनके साथ? ये एहसान पारदी है, वो ये कह रहा है कि मेरे पे तो मर्डर का केस लग गया है, उसने कभी पहले मर्डर करा था, तो उसका ये कहना है कि अब मैं सबको बर्बाद करूंगा, सब पे झूठे केस भी लगवाऊंगा और मैं खुद गोली भी चलाऊंगा। मेरे साथ या तो ग्वालियर जेल लेके चलूंगा या मैं अपने हाथ से तुमको सबको मार दूंगा। मुझे तो जेल जाना है, आज भी मरना है, कल भी मरना है। तो एक तरीके से डकैती कर रहा है अगल बगल, और रोज आता है गांव में, ऊंची नीचे फायरिंग करता है, गाली गलौज करता है। वो कोई खेत पे जाता है तो उनके गोलियां चलाते हैं। अभी बच्चे खेत पे गए थे पानी देने, पहले इनको देखा और भगा इनको, ऊंचा नीचे फायर करके और फिर सीधी गोली दे दी। दोनों को ही लगी? दोनों को गोली लगी है। कहाँ का मामला? किस बात को लेकर ये विवाद हो रहा है? कोई बात पे विवाद नहीं है, उसका तो यही कहना है कि मैं तो, मेरे ऊपर केस लगवाया है मर्डर का, तो मैं सबको लेके डूबूंगा, मैं सबको या तो मारूंगा या मरूंगा, या तो मुझे मार दो नहीं तो मैं मारूंगा। वो केस कौन लगवाया था? केस खेजड़ा में उनके गांव में हुआ है, मगर वो ये कहना है कि तुम रिश्तेदार हो इनके, जिनने केस लगवाए, तुमने हमारा राजीनामा नहीं करवाया, तुम राजीनामा करवा देते मैं बच जाता। वो भैया कह रहे थे कुछ जमीन? जमीन तो ये कह रहा है कि मैं किसी की जमीन नहीं करने दूंगा, मुझे
मैं जब बर्बाद हूँ तो सबको बर्बाद करूंगा। मामला कहाँ दर्ज करवाया? मामला धरनावदा थाने में। विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत 80 प्लस के बुजुर्गों और दिव्यांगों को सहमति के आधार पर दी जाएगी घर से मतदान करने की सुविधा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जिले में 80 प्लस के बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी, जिसके तहत जिले में 635 मतदाताओं द्वारा घर से वोटिंग का विकल्प चुना गया। विधानसभा चुनाव में पहली बार दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को घर पर मतदान का विकल्प दिया गया। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बमौरी, गुना, चांचोड़ा एवं राघोगढ़ के रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा बीएलओ के माध्यम से 80 प्लस के बुजुर्गों और दिव्यांगों को मतदान के लिए दिनांक 26 नवंबर तक सहमति फॉर्म लिए गए थे, जिसके तहत 635 मतदाता घर से ही मतदान करेंगे। इन्हें 17 नवंबर 2023 से पूर्व मतदान पार्टी के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सहमति देने वाले मतदाता मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर जाकर मतदान नहीं कर सकेंगे। विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रथम प्रशिक्षण में अनुपस्थित कर्मचारियों को जारी किए गए नोटिस। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण राठी द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत दिनांक 14 अक्टूबर 23 से 16 अक्टूबर 23 तक जिले में आयोजित प्रथम प्रशिक्षण में विभिन्न विभागों के अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 3 दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। जारी आदेशानुसार प्रमोद कुमार उप्रेती, कंप्यूटर ऑपरेटर आजीविका मिशन, दुमाल सिंह बारेला, कसुमल बाई सहारिया, खेमचंद्र कोरी वाटरमैन, शुभम सागर जाटव भ्रत नगर पालिका गुना, पवन कुमार पूर्णकालीन, नरेंद्र सिंह, इमरत सिंह गुर्जर प्रीति सक्सेना सहायक, सुमेर सिंह गुर्जर सहायक शिक्षक, मंगल सिंह मीना अध्यापक, निधि श्रीवास्तव सहायक अध्यापक, नारायण सिंह कुशवाहा, समीर राजपूत भ्रत स्वास्थ्य विभाग, सिया कोरी LHV स्वास्थ्य विभाग, रामगोपाल जोशी वार्ड बॉय सिविल सर्जन, बद्रीलाल सहारिया भ्रत श्रम विभाग को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जिले में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने एवं मतदान शांतिपूर्वक व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराए जाने तथा जिले में आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, इस उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक गुना विजय कुमार खत्री के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मान सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में जिले में पुलिस द्वारा थाना स्तर तथा विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर फ्लैग मार्च अथवा पैदल मार्च किया जा रहा है। इसी क्रम में SDOP चांचोड़ा श्रीमती दिव्या सिंह राजावत के नेतृत्व में जिले की कुमरास थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप राजोरिया एवं उनके स्टाफ द्वारा आवंटित BSF फोर्स संघ थाना क्षेत्र के संवेदनशील विभिन्न मतदान केंद्रों पर फ्लैग मार्च निकाले जाकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन से निडर एवं निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की गई। इसके साथ ही सामाजिक तत्वों को हिदायत दी गई कि यदि किसी के भी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधि को अंजाम देने का प्रयास किया गया तो संबंधित के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी और ऐसे लोगों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार संपूर्ण जिले में पुलिस एवं BSF के बल द्वारा थाना स्तर पर संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिदिन फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय महोत्सव के अंतिम दिन आज महाराजा अजमेर देव की जयंती समाजजनों द्वारा उमंग व उत्साह के साथ मनाए जाने का समाचार है। इस अवसर पर आज अपराह्न में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जहां सामाजिक एकता पर जोर दिया गया, वहीं अनेक समाजजनों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए मेढ़ शिरोमणि अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 3 दिवसीय महोत्सव के अंतिम दिन आज अपराह्न में स्थानीय मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर मुकेश सोनी, विशिष्ट अतिथि किशन सोनी व अध्यक्षता कर रहे संरक्षक चंद्रमोहन सोनी आदि द्वारा महाराजा अजमेर देव के चित्र के अनावरण व पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन किया गया। इसके बाद अतिथियों ने अपने उद्बोधन में सामाजिक एकता पर जोर देते हुए राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का भी आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान अनेक समाजजनों को मेढ़ शिरोमणि अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इस दौरान बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान जिलाध्यक्ष संजीव सोनी, नगर अध्यक्ष RK सोनी, महिला मंडल जिला अध्यक्ष दुलारी सोनी, सतीश सोनी सहित अनेक समाज बंधु महिलाएं व बच्चे उपस्थित रहे।
स्वर्गीय अविक जैन जी की याद में केंची बीड़ी परिवार द्वारा एक शाम खाटू श्याम के नाम होटल जी के जैन में दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को शाम 7 बजे भजन संध्या का आयोजन रखा गया, जिसमें सरस भजन गायिका सुश्री ज्योति पाल, सरस भजन गायिका माधुरी निखारी द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। ये प्रोग्राम जी के जैन होटल में आयोजित किया जाएगा, जिसका लाइव प्रसारण सीधा सोनाली सिटी चैनल यूट्यूब और सोनाली केबल्स के टीवी चैनल नंबर 49 पर प्रसारित किया जाएगा। देखना ना भूलें, दिनांक 31 अक्टूबर 2023 शाम 7 बजे। आयोजनकर्ता केंची बड़ी परिवार गुना। बड़ी खबर इस वक्त की गुना से आ रही है। कोर्ट परिसर के अंदर पार्किंग के पास पारदी महिलाओं के दो गुटों में हुई आपस में लड़ाई। एक तरफ महिलाएं डंडे लेकर दूसरी तरफ की महिलाओं से गाली गलौज कर रही हैं। दूसरी तरफ की पारदी महिलाएं भी खूब जमकर गालियां दे रही हैं। सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि यहाँ पर पारदी महिलाओं में आपस में लड़ाई हो रही है और पुलिस के जवान वहाँ पर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। पुलिस के जवानों के द्वारा कोई समझाइश वहाँ पर नहीं दी गई, हालांकि बड़ा विवाद होने से टला। पुरस्कार वितरण के साथ रामलीला का समापन। सार्वजनिक रामलीला एवं दशहरा पर्व समिति के तत्वाधान में पुरानी गल्ला मंडी चल रही रामलीला का कलाकारों के पुरस्कार वितरण कर समापन हुआ। इसके पूर्व 51 फुट ऊंचे रावण के पुतले के दहन के बाद अखंड रामायण पाठ पूर्ण आहुति के साथ समापन हुआ एवं कलाकारों का सम्मान समारोह एवं भंडारा प्रसादी वितरण किया गया। रामलीला मंचन, दशहरा पर्व आदि सभी सहयोगी जनों का जिलाधीश, SP महोदय, जिला प्रशासन, नगर पालिका, CMO साहब, पत्रकार बंधुओं और शहर के लोगों तन मन धन से सहयोग किया। उन सबका समिति हृदय से आभार व्यक्त करती है। आभारी समिति संयोजक गोविंद सोनी, अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, सचिव विजय पटेरिया, कोषाध्यक्ष अतिवीर जैन आदि कई लोग मौजूद रहे। गुना विधानसभा के लिए भाजपा अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, लेकिन दावेदारों ने अपने नामांकन जमा करना शुरू कर दिया है। गुना सीट से दावेदारी कर रहे लगभग सभी नेताओं ने नामांकन फॉर्म पहले ही खरीद लिया था, अब वे नामांकन जमा भी कर रहे हैं। शुक्रवार को विधायक गोपीलाल जाटा, पूर्व CMHO डॉक्टर पुरुषोत्तम बुनकर ने अपना नामांकन दाखिल किया। पूर्व विधायक पन्नालाल शाक्य ने भी नॉमिनेशन जमा किया। नीरज निगम ने भी नामांकन दाखिल किया। पहले बुधवार को राजेश पंत अपना नामांकन जमा कर चुके हैं। आपको बता दें, गुना विधानसभा सीट पर भाजपा अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। ऐसे में सभी दावेदार असमंजस में हैं। कांग्रेस ने गुना सीट पर पंकज कनेरिया को प्रत्याशी बनाया। पंकज ने गुरुवार को अपना नामांकन भी जमा कर दिया है। अब नामांकन के लिए केवल एक दिन बाकी है, शनिवार और रविवार को छुट्टी है। केवल सोमवार ही नामांकन शेव है। प्रत्याशी घोषित होने के इसी आपाधापी के बीच दावेदारों ने फॉर्म खरीद लिए हैं। गुना सीट से भाजपा के अधिकतर दावेदारों ने नामांकन फॉर्म खरीद लिए। इनमें वर्तमान विधायक गोपीलाल जाटा, पूर्व विधायक पन्नालाल शाक्य, नीरज निगम, कमललाल परसोलिया, पूर्व CMHO पुरुषोत्तम बुनकर, राजेश पंत, नारायण पंत, नरेंद्र सिंह, सुनील मालवीय, रमेश मालवीय, ओम प्रकाश नरवारिया ने फॉर्म खरीद लिए हैं। राजेश पंत को छोड़कर सभी ने भारतीय जनता पार्टी के नाम पर फॉर्म लिए थे। हालांकि राजेश पंत ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नाम पर अपना नामांकन जमा किया। अब पार्टी मेंडेंट कैसे देती है, ये तो सूची जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारी जो है ना एक माँ है, और हमने जो है ना जो फार्म आज भरा है, वो जमा किया है हमने, वो भारतीय जनता पार्टी जो है ना हमारी जो है ना पार्टी से हमने फार्म भरा है। पार्टी हमारी सर्वोपरि है। पार्टी से अभी आपकी बात हुई है टिकट को लेकर, मैंडेट को लेकर? हमको तो ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी से हमको फार्म भरना है ना। हमको अभी कोई जानकारी है ना कोई बात है, लेकिन जो है ना समय कम होने के कारण हमने आज एक फार्म डाल दिया। इस बार गुना सीट इतनी डिले क्यों कर दी है? अब जो पार्टी जान है, ये हमारा काम नहीं। कल दिग्विजय सिंह जी आए थे, वो आपके प्रति कह रहे थे गोपीलाल जी का टिकट क्यों बदल दी थी भाजपा। अब ऐसा है, पार्टी ने मुझे 7 बार टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, है ना, और मुझे जो है मतलब ना 6 बार विधायक बन गया, 4 बार साढ़ोरा, ये 5वीं बार अशोकनगर, 6ठी बार गुना, और 7वीं बार भी मैंने गुना से फार्म भरा है। भारतीय जनता पार्टी है, अब कोई कुछ भी कहे उससे हमको क्या लेना देना। आप चुनाव लड़ेंगे? हैं, पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का निर्णय जो होगा वो सर्वोपरि है, उसको हमारे सर मोर है। पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद। चर्चाओं में बना हुआ है भाजपा ने, जबकि अभी अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। आज आपने फार्म भी डाला, किस पार्टी डाल दिया? मैंने भारतीय जनता पार्टी के नाम से डाला। कुछ नेतृत्व से हरी झंडी मिल गई?
तुम तो दे रहे हरियाणे, क्या कहना चाहेंगे? अरे आप क्या, आपने हरियाणी दे दी तो हमने जमा कर दिया। नहीं, पार्टी ने खुलकर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, इसके विषय में कुछ नहीं कहना। मतलब हाँ, मैं एक मैंने फार्म पार्टी से डाला है, किसी कारण बस अगर कुछ होता है, पार्टी अगर मेरे को स्वीकार करती है तो मैं तैयार हूँ, और पार्टी अगर मुझे स्वीकार नहीं करती है तो मैं निर्दलीय फार्म भी डालने आया हूँ आज, और मैं हमारी गुना की जनता का मन नहीं तोड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा फिर निर्दलीय। और गुना का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, गुना की जनता का आशीर्वाद है, गुना का बेटा हूँ मैं, गुना की मिट्टी का बेटा हूँ मैं। मैंने पूरी जिंदगी और मेरे पिताजी ने फल बेचे लक्ष्मीगंज में, मैं एक ठेला लगाने वाला हूँ और पैदाइशी जही का रहने वाला हूँ। मैं हरिओम खड्डी समाज सेवी, जनता का सेवक, जनता का आशीर्वाद। किस पार्टी से फार्म डाला है? मैं एक कांग्रेस पार्टी डाला है, एक निर्दलीय डाला। क्या कारण रहा कांग्रेस पार्टी में आप टिकट की दौड़ में चोर पे चढ़ गए? मेरे को डमरू सा बजा दिया पार्टी ने, ऐसा कुछ समझ में नहीं जा रहा मेरे को, ऐसा क्या हुआ? जनता भी परेशान है, हमारे शहर की हैरान है कि ये क्या हो गया और ये कैसे हो गया और ये क्या हुआ है, किसी का समझ में नहीं जा रहा। कल दिग्विजय सिंह जी आए थे, आपने उनसे चर्चा की? मेरी कोई बात नहीं हुई, मैं आ गया और ना मेरी किसी से बात हुई और ना मैं किसी से बात करूंगा। अगर पार्टी मुझे स्वीकार करेगी मैं सबसे बात करूंगा, वैसे भी मेरे सब बात कर सकते हैं, मैं सबसे बात कर सकता हूँ। हम सब गुना के बासी है, चाहे कोई पार्टी के हो, सब हम भाई भाई है, छोटा सा गुना है।